हेलो गाइस, इस वीपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट। तो कैसे हो आप लोग? सो गाइस, फ्राइडे का दिन है, 17 फरवरी का दिन है, मैं जा रहा हूँ राजस्थान। सो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ, ये मेरी बाइक रेडी है। बड़ी मुश्किल से पैनियर पे मैंने सामान बैठाया है दोनों पे, बाकी मैं तैयार, सब तैयार। एंड चेन लूप ले लिया हूँ, सब ले लिया हूँ। अब बस कुछ सेटिंग है, जैसे कि मोबाइल पे मैप लगाना है और चार्जिंग में लगाना है, और बस यहाँ से निकलना है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमको मिल गया है ये ट्रैफिक। एनीवेज गाइस, पता नहीं जीपीएस को क्या हो गया है, 14 आवर्स दिखा रहा है जीपीएस। बड़ी मुश्किल से जीपीएस को सेट किया हूँ, कुछ नेट का इशू चल रहा है मेरे को लग रहा है आई गेस। आगे चल के थोड़ा ट्रैफिक से क्लियर होता हूँ तो करता हूँ। अभी मैं अपने घर से आया हूँ कुछ 5 किलोमीटर दूर, इसका जीरो ट्रिप नहीं हो रहा, किलोमीटर लिखना पड़ेगा। स्पीडोमीटर में दिखा रहा है कुछ 11,894.5। ट्रैफिक से निकल चुका हूँ, 13 आवर्स दिखा रहा है 729 किलोमीटर। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जय श्री राम, हर हर महादेव। देखो देखो उल्टा आ रहे, ये देखो रिक्शा वाले, भैंस की आँख। ये देखो ट्रक वाले को देखो, ये देखो। ओ भाई साहब, कितना धूल उड़ा रहे गाड़ी। ए भगवान, मेरे कैमरा के लेंस को बचा लेना। 5 बजे निकलने का प्लान था लेकिन मैं 5 बजे नहीं निकल पाया क्योंकि मुझे नींद कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी था। वेल, रात को तो इस बार भी मुझे नींद नहीं आई, बड़ी कच्ची कच्ची नींद थी, बट आँख बंद करके लेटा था। भगवान का नाम लेके निकल गए, जय बजरंग बली। देखिए बड़े खराब टाइम पे निकला हूँ मैं, मुंबई से ही निकलने में मेरे को लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज जिस हिसाब से ट्रैफिक हो रहा है, ये ट्रैफिक में क्या ना, पैनियर्स अगर नहीं होता तो मैं कट कुट मार के निकल जाता, पर पैनियर्स होने की वजह से मेरे को बहुत संभालना पड़ रहा है। देखो 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 गाड़ी आ रही तो भी घुसा रही, आई डोंट नो व्हाई गूगल मुझे अरोली से लेके जा रहा शायद। ये देखो 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 भाई साला, अब जाते थोड़ा सा स्ट्रेच करने मिला है गाइस। मैं अपने घर से निकला था अराउंड 10:47 और अभी इस वक्त हो रहा है 10:38। सिर्फ एरोली ब्रिज पहुंचने में मेरे को 1 घंटे लग गए बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मेरे लिए एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मुझे 750 किलोमीटर कवर करना है। भाई साहब इतने धूप में देखो गाइस, तो चल के जा रहे हैं। ओह माय गुडनेस, शायद मुझे लग रहा है और कोई पालकी निकली होगी या फिर कोई कोई यात्रा पे निकले ये लोग। एनीवेज गाइस, मैं भी चारोटी पहुंचने वाला हूँ और मैंने अपना मोबाइल निकाल के बैग में रख लिया क्योंकि टेम्परेचर बहुत हॉट हो गया था और इसमें थोड़ा चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये जो मैंने लिया है ये काफ़ी बड़ा है मेरे मोबाइल के कंपेरिजन में, तो चार्ज करने के लिए वायर जो है छोटा पड़ रहा था। 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर हो सकता अगर 100 का स्पीड मेंटेन किया तो, और मुझे वही करना है जो 13 से 14 घंटे की जर्नी है वो मुझे कम से कम टाइम में करना है। सो गाइस, मैं भी पहुंच चुका हूं चारोटी प्लाजा। टाइम इस वक्त क्या हो रहा है मेरे को मोबाइल में चेक करना होगा, इसलिए मोबाइल की हीटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पूरा का पूरा बैटरी ड्रेन हो गया था। स्ट्रेच हो पाएगा क्योंकि ओके बैटरी है अभी भी 5%। 12:28 आई मैंने 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिया चारोटी का, 61 किलोमीटर हो रहा है गाइस। 12,000 ब्रेक ले रहा हूँ, पानी वानी पीता हूँ फिर मैं निकलता हूँ। चॉकलेट पूरा मेल्ट हो चुका है। निकलते वक्त मैंने नींबू पानी बना लिया था इसमें। तो गाइस, न्यू पीपल, दिस इज ऑल अबाउट ट्रैवल। तो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं गुजरात और महाराष्ट्र का जो चेक पोस्ट है वहां पर। अगर आपने मैं सापुतारा का वीडियो देखा होगा तो मैंने यहां पे खड़ा होकर मैंने व्लॉग बनाया था, बट इस बार मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मैं स्केड्यूल से थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं एंड मेरे को करना है बहुत सारा डिस्टेंस कवर। फटाफट से चलते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ओ बाप रे बाप, ये क्या है भाई। सो गाइस, मैं जब से इस ट्रिप पे निकला हूँ इस तरीके की चीज़ें मुझे कई बार देखने मिल रही है, बड़े बड़े मशीनरी। सो गाइस, अनदर 100 किलोमीटर इज़ डन। अब मैं यहाँ पे लूँगा छोटा सा हॉल्ट, यहाँ पे बर्गर किंग है, ब्रांड स्टेशन है, ड्रीम लैंड फूड प्लाजा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है।
कुछ हमें बाइक खड़ा करना है, मुझे धूप में नहीं खड़ा करना। ओ भाई साहब, अपने आप को कांच में देखने का ना मज़ा ही कुछ और है, मतलब पूरा राइडर लग रहा हूँ ना। नहीं तो एनीवेज गाइस, 100 किलोमीटर हो चुका है। ये देखो 1200 किलोमीटर पे मैं चारू टेक यहाँ पे रुका था, सॉरी 12000 पे, अब ये 12105 हो गया, तो 100 किलोमीटर डन हो चुका है। तो मैंने लिया छोटा सा ब्रेक, अब यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी बार वगैरह खाया जाएगा, अब लेते हैं थोड़ा सा एनर्जी। ये 100 किलोमीटर बेसिकली मेरे को लग रहा है एग्जैक्टली 1 आवर में मैंने कंप्लीट किया है। तो ये स्पीड अगर मैं मेंटेन करूँ 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो आराम से मैं उदयपुर पहुँच जाऊँगा शाम के 7-7:30 बजे तक। तो फटाफट से कुछ खाते देन निकलते। सोनवाड़ा, आई मीन सोनवाड़ा राइट नाउ। तो गाइस यहाँ पे मैं बैठा था, यहाँ पे मैंने लंच किया। अरे बाजू में शुगर कलेक्शन भी है, देख के मन कर रहा है बट अपने को लेट हो रहा है। ओ भाई अंदर ठंडा था और बाहर आते ही एकदम गर्मा गर्म हवा। ये देखो मेरी बाइक कितनी मस्त लग रही है, चकाचक चकाचक। मैं क्या सीट गर्म हो चुका होगा, शिट। तो यहाँ खड़ा हूँ मैं, एकदम मस्त हीरो लग रहा हूँ, टकाटक फुल मैन इन ब्लैक। तो गाइस सारी तैयारी हो चुकी है, लंच कर लिया। बस एक ही प्रॉब्लम है कि गर्मी बहुत हो रही है, देखो सीट भी गर्म हो गया है। ये आउच, गर्मा गर्म सीट। तो जय श्री राम, क्या मस्त लग रहा है ना साइड प्रोफाइल। ये देखो गाइस मिरर में साइड प्रोफाइल क्या ही लग रहा है एकदम। अब नेक्स्ट स्टॉप लेंगे डायर 100 किलोमीटर के बाद। सो गाइस अभी भी मैंने यहाँ पे पेट्रोल भराया है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो रिजर्व में आ गया था। 250 किलोमीटर हुआ है और 50 किलोमीटर जा सकता था गाड़ी, लेकिन मैंने अभी ब्रेक लिया, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक लिया ताकि फुल किया है अभी 825 रुपीज़ का। और यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो अराउंड 96 रुपीज़ है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एनर्जी है, मतलब नेक्स्ट लेवल फन है। और जो रोड है इतना स्मूथ बनाया है कि आराम से गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में क्रूज कर रही है। एंड गाड़ी अभी भी सर्विस में होकर आई है, तो मुझे चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। पता नहीं गाइस ये गूगल मुझे कहाँ पे लेके आया है, कोई तो अंदर का रास्ता है। गूगल का कहना था कि आगे का जो रास्ता था वो बंद था, तो जिसके वजह से मुझे ये अंदर वाला रास्ता एक डाइवर्जन दिया है गूगल ने। और ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, सारे बोर्ड में गुजराती में लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका मुझे लग रहा है डाउट। और ये पता नहीं कोई तो गांव खेड़ा, देखो पूरा जैसे गांव में नहीं गोबर की पूरी खुशबू आती है उस टाइप की यहाँ पे खुशबू आ रही है। सब गाय भैंस भैल बांधे हुए, देखो बैल चला रहा है यहाँ पे, बैलगाड़ी चल रही है, सॉरी यहाँ पे बैलगाड़ी चल रही है, गन्ने की खेती हुई है। तो पता नहीं गूगल कहाँ पे लिख कर आया है। ओके गाइस ये जो डाइवर्जन था बेसिकली 8 किलोमीटर का डाइवर्जन था, और डाइवर्जन अब ख़त्म हो चुका है। ये डाइवर्जन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे फुल ट्रैफिक था, तो गूगल ने मेरे को भटकाया नहीं, इनफैक्ट गूगल ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं 1.5 घंटे के लिए फंस जाता। सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है यहाँ की गर्मी गाइस, इतनी गर्मी की तो मुझे आदत भी नहीं है मुंबई में। मुंबई में क्या होता है गाइस कि मॉडरेट रहता है वेदर, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ गर्मी ही गर्मी हो रही है। लिटरली मेरे पैर में चटके पड़ रहे गाइस, चटके। 100 तो नहीं लेकिन 75 किलोमीटर कवर किया हूँ, और बहुत प्यास लग रही थी, भूख था ना बहुत, करने का। और भाई को यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया था, गन्ने का जूस पिया, एक ग्लास 20 रुपये का था, लेकिन भर के था एकदम, मज़ा आ गया। ये गूगल बेसिकली बावला हो गया है, ये गूगल ने मेरे को यहाँ का लेफ्ट वाला रास्ता दिखाया, और इस रास्ते के बाद यू टर्न मार के फिर से एक लेफ्ट दिखाया जो कि यही रास्ता में आता है। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि गूगल ने डाइवर्जन दिया क्यों। मैंने सोचा था कि 150 किलोमीटर के बाद ब्रेक लूँगा, बट जो गर्मी है वो इतना ज़्यादा था कि मेरे को सहन नहीं हो रहा था। और मेरे को जब छाँव मिला, गन्ने का जूस मिला, तो मैं रुक गया। अभी टाइम हो रहा है इस वक्त 4:25, तो टाइम फुल है,
रास्ता क्लियर है, मैं भी रिफ्रेश हो चुका हूँ, तो चलो नेक्स्ट 100 किलोमीटर कवर करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज अभी शाम होने वाली, आधे घंटे में 5 बज जाएगा, धूप चला जाएगा, और जैसे धूप जाएगा तो जितना हो सके मैं उतना स्ट्रेच करूँगा, बिकॉज धूप में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेट्स गो। सो गाइज, मैंने अभी भी लिया था छोटा सा ब्रेक, टोटल 300+ किलोमीटर में कवर कर चुका हूँ, और इस वक्त मैं अंकलेश्वर में हूँ। धूप में बाइक चलाने की वजह से मेरी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो गई थी, तो अभी मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया, तकरीबन आधे घंटे का, और थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। सीन ये है कि अभी भी मैप में दिखा रहा है कुछ 400 किलोमीटर बाकी है, तो 400 किलोमीटर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि ना धूप निकलेगा, बट धूप ज़्यादा निकल गया और मेरी बैंड बज गई धूप में। तो अब देखते हैं, अगर अहमदाबाद पहुंच सका तो अहमदाबाद ही सही, या तो वडोदरा पहुंचा तो वडोदरा ही सही, जितना होगा उतना खींचूँगा, क्योंकि उदयपुर होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 400 किलोमीटर है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो रेस्ट कर लेंगे, और अभी मैंने मैप निकाल के यहाँ सामने लगा दिया है, तो थोड़ा सा भी मोटिवेशन आएगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम, देखते क्या होता है। ये है गुजरात वाला वर्ली सीलिंग, नाइस वन, अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ ब्रिज। सर्वोत्तम होटल में आ रहा हूँ, मैं भी थक गया था, उदयपुर की निकला था, लेकिन यार लेट हो गया निकलने में, धूप की वजह से पूरी हालत ख़राब हो गई। अब सर्वोत्तम होटल में बैठा हूँ, ये भाई यहाँ के मैनेजर है, अभी ज़्यादा रूम में फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ आगे का प्लान क्या करना है। बाइक बाहर खड़ी है, बहुत टायर्डनेस है, समझा के शावर लेंगे। सो गाइस, अभी मैं होटल में हूँ, इस वक्त मैंने चेक इन कर लिया है। गाइस, यहाँ पे दाल तड़का एंड रोटी, सिंपल फूड मंगाया है, तो पहले खाना खा लेता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैं उदयपुर नहीं पहुँच पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज क्या है कि मैं घर से निकला था 9:30 बजे, क्योंकि रात को मेरी पैकिंग खत्म हुई थी 1:30 बजे। उसका रीज़न ये है कि घर पे ही पहुँचा था 11 बजे, क्योंकि मैं गया था लाइट लगवाने और मोबाइल होल्डर लगवाने, और ये दोनों काम करने में बंदे ने 4 से 5 घंटे लगा दिए, जो कि हार्डली 1 घंटे का भी काम नहीं है। उस वजह से मैं घर पे लेट पहुंचा, उस वजह से मैं लेट सोया, उस वजह से अभी नींद भी कंप्लीट करना जरूरी था। गाइस, राइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो लगातार, और नींद कंप्लीट करके निकलना है। तो मैंने आज नींद कंप्लीट करके निकला, नॉर्मली मैं सुबह 5 बजे राइड पे निकलता हूं, बट आज मैंने नींद कंप्लीट करके निकला, दैट्स द रीजन निकलते निकलते 9:30 हो गया, एंड ऑफिस टाइम है, वर्किंग डे है, तो पीक टाइम पे निकला हूं, तो उस वजह से सिर्फ मुझे फाउंटेन होटल पहुंचना मेरे को 12:30 बज गए थे। तो फर्स्ट 100 किलोमीटर एकदम बकवास, सेकंड 100 किलोमीटर मैंने एग्जैक्टली 1 घंटे में कवर किया, क्योंकि 100 का स्पीड मेंटेन किया था, बट उसके बाद जो थर्ड 100 किलोमीटर था वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। मैंने उसके बाद में अराउंड 280 किलोमीटर मैंने कवर किया, एंड वो 280 कवर करने में मेरी फट के हाथ में आ गई, क्योंकि बहुत सारे जगह पे एक्सीडेंट्स हो रखा था एंड बहुत सारे रोड डाइवर्जन थे। फाइनली शाम के 5:30 बजे 6 बजे के आसपास मैंने एक ब्रेक लिया, बड़ा सा ब्रेक, क्योंकि मेरा बॉडी जवाब दे रहा था, मेरी आंखें बंद हो रही थी, तो मैं रुका, रेडबुल पिया। तो गाइस, मुझे वो वाले दिन की याद आ गई, 2015 वाले राइड की, जब मैं त्रिंबकेश्वर से रिटर्न मारा, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो रिस्क मैं लेना नहीं चाहता था। फिर भी एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके आधे घंटे का रेस्ट लेके मैं निकला, बट अगेन मेरी बॉडी वो रेस्पॉन्स नहीं कर थी जो पहले कर रही थी, और मेरी आंखें बंद हो रही थी। इमीजिएटली मेरा वैसा तो प्लान था वडोदरा पहुंचने का या तो अहमदाबाद पहुंचने का, जो कि यहां से 200 किलोमीटर है, बट मैंने इमीजिएटली ये डिसाइड किया कि ना, आंखें बंद हो रही है, मैं रिस्क नहीं लेगा, जान है तो जहान है, नेक्स्ट टाइम और राइड कर लेंगे। तो दैट इज द रीजन मैंने अपना प्लान चेंज किया और मैंने होटल ढूंढना शुरू किया। फाइनली मैं सर्वोत्तम में रुका हूँ, बारोच में, ये रहा होटल गाइस, दिख रहा हूँ। और अब आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, बिकॉज ट्रैवल इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, ये होना था तो हो गया। नेक्स्ट प्लान जो है, जो मेरा था एक्चुअली उदयपुर पहुंचने के बाद कल का करने का, वो अब कैसे होगा देखते हैं, क्योंकि अब मुझे अराउंड 350 किलोमीटर कवर करना है, उदयपुर पहुंचना है, और उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा 4:30 के आसपास, ताकि 5 बजे तक मैं रूम छोड़ दूँ। और अगर मैं 5 AM को यहाँ से निकलूंगा, तब जाके बराबर 11:30 या 12 तक मैं वहाँ पे पहुंच सकता हूँ, अगर अच्छा स्पीड मेंटेन किया तो। एनीवेज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर बंदे की मेहनत दिख रही है एंड वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी फूड डिलीशियस दिल से एंड लाइफ ऑफ द राइडर्स। ऐसे गाइस, आज का डे 1 था, और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं वीडियो के एंड पे मैं दिखा दूंगा, आप देख लेना, ये मेरा डे 1 का खर्चा है।
अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।